सबका स्वागत है मेरे चैनल पे एंड ये वीडियो चलिए स्टार्ट करेंगे। सो छोटा सा रिव्यू है, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। और बात कर रही हूँ एक अंडर आई क्रीम की एंड ये आई क्रीम यूट्यूब पे बहुत ही फेमस है। ये है सेंट बोटानिका का अंडर आई क्रीम। पैकेजिंग आप देख ही सकते हैं कि बहुत ही अच्छा है, गोल्डन पैकेजिंग है, बहुत ही क्लासिक पैकेजिंग है। सो मैंने बेसिकली यूट्यूब पे ही रिव्यू देखकर के इसका प्रोडक्ट लिया था। इनिशियली मुझे कुछ अच्छा इफेक्ट नहीं मिला इसका। सो चलिए बात करेंगे। पहले तो मैं बात कर लेती हूँ, पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है। प्रोडक्ट आपको आती है 50 ग्राम एंड प्रोडक्ट का जो प्राइस है ये है 899 रुपीज, मतलब 899 रुपीज। ओके एंड 50 ग्राम प्रोडक्ट, मतलब क्वांटिटी वाइज आप बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। सेल्फ लाइफ है, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग है जनवरी 2019 की एंड सेल्फ लाइफ है 12/2020। तो अच्छी सेल्फ लाइफ भी है, आप अच्छे यूज भी कर सकते हैं। सो मुझे खरीदे हुए बहुत दिन हो गया है, बहुत दिन, आई मीन 6 मंथ ऑलमोस्ट, पर मैंने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया है। मैंने कंटिन्यू उस टाइम पे 2-3 मंथ्स यूज किया था, फिर मैंने स्टॉप कर दिया यूज करना एंड अभी मैं थोड़ा सा यूज करने लगी हूँ। सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं कि आई क्रीम का जो मिथ होता है कि आपने आई क्रीम लगाया पफिनेस चली जाएंगे, आपकी रिंकल्स चली जाएंगी एंड आपका जो है डार्क सर्कल चला जाएगा लगाने से, ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। क्योंकि मैं इन तीनों चीजों से परेशान हूँ, सही सुन रहे आप, मैं इन तीनों चीजों से परेशान हूँ और मैंने जो पाया कि ये एक क्रीम लगाने से तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। अगर आपकी लाइफ स्टाइल एकदम अच्छी जा रही है तब अगर आपको कोई परेशानी होती है तो देन आप क्रीम लगाइए, वो चली जाएंगी। लेकिन अगर आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं तो फिर क्रीम लगाने से वो जाने वाली नहीं है। आपको पहले अपने अंदर चेंजेस करने होंगे, उसके बाद में आप किसी और से एक्सपेक्ट कीजिए। सो इस क्रीम में है ये जो क्रीम है ये आपके डार्क सर्कल को, पफिनेस को एंड रिंकल्स एंड बैग्स को जो है ये क्लियर करता है। और इसमें है हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी, ई एंड बी3, सिल्क, प्रोटीन, आर्गन एंड फ्रैंकिनसेंस ऑयल। सो ये ऑल स्किन टाइप के लिए है एंड ये हर्बल प्रोडक्ट है। ये आपके रिंकल से फाइट करेगा, प्रीमैच्योर एजिंग को हटाएगा एंड पफिनेस को रिड्यूस करेगा। ये बहुत ही डीप मॉइस्चराइजिंग देगा एंड आपकी स्किन आई एरिया के अराउंड जो भी है वो काफी जो है सिल्की फील होगी और रिमार्केबल ब्राइटनेस, हेल्दी एंड यूथफुल आपको देखने को मिलेगा, ये इनका कहना है। इनर पैकेजिंग जो है ऐसा है और ये भी गोल्डन टाइप की है, पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है। इस टाइप का अंदर में एक बात है, क्रीम ऐसा वाइट टेक्सचर का है। सो ये आपको इस टाइप की क्रीम मिलेगी और स्मेल की बात करूँ बहुत ही अच्छी स्मेल है, मतलब मुझे इसकी सबसे अच्छी कोई चीज लगी है तो इसकी स्मेल लगी है। काइंड ऑफ तुलसी काइंड ऑफ स्मेल है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हर्बल स्मेल है, बहुत रिफ्रेश कर देता है, मतलब आपका आधा टेंशन तो वहीं पे गुम हो जाएगा स्मेल से। तो ये क्रीम मुझे उस एंगल से बहुत ही अच्छा लगा, स्मेल बहुत अच्छी है एंड इसे लगाना है, मसाज करना है और उसके साथ साथ जो प्रिकॉशन लेने होते हैं वो तो लेना पड़ेगा। देन आपके डार्क सर्कल में कुछ इंप्रूवमेंट नजर आएगी, आपके पफिनेस में, आपके रिंकल्स में कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, टाइम लगेगा। आज आपने लगाया कल मिलेगा ऐसा कुछ नहीं होगा, टाइम लगेगा और 8 आवर मिनिमम आपको स्लीप लेना है। अगर उससे कम लेते हैं तो कुछ असर नहीं होने वाला है, जैसे मेरे केस में हुआ। मेरा जो है स्लीपिंग बहुत ही गंदा है, मैं हार्डली 3-4 आवर ऐसे ही डेली सो पाती हूँ, मैं उससे ज्यादा सो नहीं पाती। तो मेरी ये जो आईज एरिया के आसपास की समस्या है ये कभी नहीं जाती है, गलती से कभी कुछ दिन अगर सही चलता है तो चली जाती है। और मेरे ख्याल से ये हर मॉम की यही कहानी है। सो मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है और क्रीम अच्छी है, असर आपको मिलेगा लेकिन आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा अपने ऊपर में। सो नॉर्मली ये
रिंकल्स को हटाता है, डार्क सर्कल को भी कम करता है, क्योंकि मैंने ये तो नोटिस किया कि एक टाइम के बाद में जब मैं 15 to 20 days हो गए तो उसके बाद में मेरे थोड़े से डार्क सर्कल कम हुए हैं, थोड़े से रिंकल्स कम हुए हैं, ये सारी चीज़ें मुझे कम हुए हैं, मीन्स स्टॉप हुए हैं, जो बहुत अनहाइड्रेटिंग जो लगता था, डिहाइड्रेटेड एरिया लगता था वो ऐसा नहीं था, तो ये सारी चीज़ें मैंने नोटिस की है, लेकिन एक टाइम के बाद में एक मेडिकली चेंज मैंने नहीं देखा। तो अगर वैसे बात करूँ तो ये क्रीम इफेक्टिव है, लेकिन आप रातों रात जैसे कि मैंने सोच के लिया था कि मैं आज लगाऊंगी कल चेंजेस, ऐसा कुछ नहीं है, 20-25 days, 15 days, मिनिमम 15 days का आप टाइम दीजिए, उसके बाद में ये क्रीम आपको थोड़ा असर दिखाएगा, तो अच्छा है। और ऐसा नहीं है इस क्रीम को कि आप सिर्फ अपने आईज एरिया पे ही अप्लाई कर सकते हैं, इसे आप अपने नेक पे अप्लाई कर सकते हैं, आई वो भी बहुत अच्छा असर करता है, आप चाहे तो अपने जो ये एरिया होता है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, माउथ के पास में जो लाफिंग लाइन्स होती हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा, लेकिन एक टाइम लगाएगा। उसके साथ साथ अच्छी स्लीप और लॉट्स ऑफ वाटर ड्रिंक कीजिए, अच्छे वेजिटेबल्स एंड अच्छे मील आप ले लीजिए, तब जाकर चेंजेस आपको नजर आएगा। सोना और पानी ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो अगर इसे स्किप करेंगे तो फिर चेंजेस शायद ही देखने को मिलेगा, जैसे कि मेरे केस में हुआ। सो यस, ये छोटा सा रिव्यू था, आई होप कि आपको पसंद आया है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में जरूर शेयर कीजिए, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।